लॉकडाउन 2 के शुरू होने के बाद रेल मंत्रालय ने आगामी 3 मई तक के लिए देश में पैसेंजर गाड़ी ना चलाने का फैसला लिया है। इसी के साथ भारतीय रेलवे की ओर से रद्द की गई ट्रेनों के लिए पूर्ण वापसी IRCTC की ओर से स्वचालित रूप से प्रदान की जाएगी। इसके अलावा रेल प्रशासन ने यह भी कहा कि उपयोगकर्ताओं को अपने ई टिकट को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ ही ऑफलाइन टिकट वालों को रिफंड लेने और TDR फाइल करने के लिए 3 महीने की छूट दी गई है। किसी भी प्रकार की पैसेंजर ट्रेनों का संचालन 3 मई 2020 तक नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई भी मेल एक्सप्रेस या पैसेंजर ट्रेन 3 मई 2020 तक नहीं चलेगी। इसके चलते जो पहले 21 मार्च से 14 अप्रैल तक कैंसिलेशन होने के कारण जो रिफंड रूल्स में रिलैक्सेशन दिया गया था, उसकी अवधि में भी विस्तार किया गया है, उसको अब आगे बढ़ा दिया गया है। पहले रिफंड क्लेम करने के लिए 3 दिन का समय मिलता था जो पैसेंजर काउंटर पर टिकट बनवाते थे, अब यह अवधि बढ़ाकर 3 महीने कर दी गई है।